चाइना के जो आपने ऐप रोके उसका एक चर्चा ये है कि उसका 5G पर असर पड़ सकता है। क्या वाकई 5G पे असर पड़ेगा, उसके प्रयोगों पर, उसके प्रसार और जो आप लाने की कोशिश कर रहे हैं देश में उस पर? देखिए, मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, किसी कंपनी का या किसी देश का नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं होगा। हमारे कुछ मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं शशि जी। नंबर एक, अभी 5G विकास की अवस्था में, इवॉल्व कर रहा है, इसका पर्याप्त अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने विचार किया कि हम ट्रायल के बेसिस पर 5G का स्पेक्ट्रम देंगे, आप डेवलप करिए। हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि भारतीय कंपनियां 5G बनाएं, कुछ ने बनाया है, हमने और लोगों से आग्रह किया है, वो काम भी चल रहा है। लेकिन हमारे सुरक्षा के मानदंड भी सख्त हैं, क्योंकि 5G का स्पीड बहुत तेज होता है, इसलिए हमारे सुरक्षा के मानदंड के मानकों का भी अनुपालन करना होगा। और अगर कोई कंपनी, जो विदेशी कंपनी है, वो ये समझती है कि भारत के डेटा पर प्रभुत्व करके वो यहाँ का टेलीकम्युनिकेशन डेटा बाहर भेजेंगी, तो वो दिन समाप्त हो गए। ये हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। आप किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहे, उचित है आपकी सीनियरिटी के हिसाब से। मैं नाम लेता हूँ हुआवे का। इंग्लैंड में उनको बैन कर दिया गया, उनके साथ दिक्कतें यूरोप के अन्य देशों में भी आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि एक दिन हम अपनी भी इस तरह की कंपनी बना पाएंगे, और बना पाएंगे तो कब बना पाएंगे, जो विदेश में जाकर बोले कि हम 5G आपको देंगे, आप हमसे 5G लीजिए? देखिए, हमारा आत्मविश्वास बहुत जबरदस्त है, और ये कोई दंभ का आत्मविश्वास नहीं है। मेक इन इंडिया की बात शुरू की शशि जी, थोड़ा मुझे एक मिनट वक्त दीजिए प्लीज। तो जिस समय हम 14 में आए थे, सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, आज 250 से अधिक मोबाइल फैक्ट्री है। नोएडा में भी लगभग 90 से अधिक मोबाइल फैक्ट्री और कंपोनेंट फैक्ट्री आ गई है। हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव लेकर के आए, तो कोरोना की विषम परिस्थिति, आर्थिक मंदी में भी दुनिया की सभी टॉप कंपनी ने अप्लाई किया, और आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने 31 जुलाई को समाप्त अपने आवेदन पत्र में कहा है कि हम भारत में आने वाले 5 वर्षों में 12 लाख करोड़ का मोबाइल बनाएंगे, कंपोनेंट बनाएंगे, 7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे और 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। अब फिर मुझे किसी मोबाइल कंपनी का नाम देना उचित नहीं होगा, 8-10 फैक्ट्रियां भी यहां पहुंच गई हैं बाकी देशों से। तो ये हमारे आत्मविश्वास का कारण है। अभी मैंने ऐप की बात कही, देखिए देश जागता है शशि जी, आप तो इतने अनुभवी पत्रकार और संपादक हैं, देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी जब देश को जगाते हैं, मेहनत खुद करते हैं, ईमानदारी से, संकल्प से, हम लोग से करवाते हैं, तो देश रिस्पॉन्ड करता है। अब मैंने बताया कि 85% वर्क फ्रॉम होम हो रहा है भारत की IT कंपनी में, कोई वर्क में कमी नहीं है, जबकि भारत बहुत बड़ा केंद्र है। बाकी कोरोना में हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, ये आपने देखा होगा, जो हमारा आरोग्य सेतु है, 15 करोड़ लोग आरोग्य सेतु का प्रयोग कर रहे हैं, दुनिया भी उसके बारे में पूछ रही है। तो भारत की डिजिटल क्षमता बहुत जबरदस्त है। आज डिजिटल इंडिया, आज डिजिटल इंडिया को दुनिया चर्चा कर रही है, आप जानते ही हैं, देख रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है, जो आपने पूछा ना कि भारत कब कर लेगा, तो भारत कर रहा है और सब करेगा।